हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक, जहां आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आईपीएल 2020 के उन मैचेस के बारे में जिनको देखने के बाद आईपीएल फैंस का रिएक्शन कुछ ऐसा रहा होगा। तो आईपीएल 2020 में हम लोग को कुछ बहुत ही एक्साइटिंग मैचेस और बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट्स देखने को मिले। इस वीडियो में आईपीएल के 56 में से 5 ऐसे मैचेस को मैंने इंक्लूड किया है जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग थे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पूरा देखने के बाद आप लोग का भी जो भी ओपिनियन होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही वीडियोज देखने को मिलते रहे। तो सबसे पहले मैंने इस वीडियो में जगह दिया है आईपीएल 2020 मैच नंबर 2 जो कि हुआ था दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच। और आईपीएल की शुरुआत में जब ऐसा मैच देखने को मिल गया था तो उससे कहीं कहीं पता चल गया था कि ये टूर्नामेंट कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही अच्छा था ये मैच और मयंक अग्रवाल ने स्पेशली जिस तरह से पारी खेला, उसके अलावा फर्स्ट इनिंग्स में जिस तरह से मार्कस स्टोइनिस ने बल्लेबाजी किया था वो भी काफी बेहतरीन था। लेकिन एंड में मैच जा पहुंचा सुपर ओवर में और सुपर ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के सबसे बेहतरीन गेंदबाज कडिसो रबाडा ने बहुत ही लाजवाब बॉलिंग किया और दिल्ली कैपिटल्स को मैच जिताया। कहीं ना कहीं एक हाई स्कोरिंग मैच जहां पे बहुत सारे रन बने वहां पे एंड में जाके गेंदबाजों ने अपनी टीम को मैच जिताने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इसके बाद मैंने इस वीडियो में जगह दिया है मैच नंबर 10 जो कि हुआ था मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच। ये भी बहुत ही लाजवाब मैच था और इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स की बात करें तो 5 ओवर में 80 रन चाहिए थे और वहां से किसी ने भी नहीं सोचा था कि मुंबई इंडियंस इस मैच को जीत सकते हैं। लेकिन ईशान किशन और कैरन पोलार्ड ने जिस तरह से बल्लेबाजी किया वो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आया। स्पेशली ईशान किशन जो कि आईपीएल 2020 का अपना पहला मैच खेल रहे थे वो लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। ग्राउंड भले ही छोटा था लेकिन छक्के लगाना फिर भी आसान नहीं था वहां पे और 5 ओवर में 80 रन बनाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। और 99 के स्कोर पे आउट हुए ईशान किशन और वो एक रन जो ईशान किशन बना लेते तो उनका सेंचुरी भी हो जाता और मुंबई इंडियंस वो मैच भी जीत जाता। वो एक रन नहीं बना, मैच सुपर ओवर में गया और फिर सुपर ओवर में नवदीप सैनी ने बहुत ही लाजवाब बॉलिंग किया। नवदीप सैनी की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और जब मुंबई इंडियंस की तरफ से जसप्रीत बुमराह आए बॉलिंग डालने तब उतने रन थे नहीं कि वो डिफेंड कर पाते और फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वो मैच सुपर ओवर में जीत गया। इसके बाद अगला मैच है मैच नंबर 35 केकेआर वर्सेस एसआरएच और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। यहाँ पे इस मैच में मैंने पहली बार डेविड वार्नर को मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए देखा और क्योंकि डेविड वार्नर मिडिल ऑर्डर में आए थे बल्लेबाजी करने इसलिए मैच इतना लंबा चला, वरना अगर डेविड वार्नर ओपनिंग करने आते और वो जल्दी आउट हो जाते तो फिर ये मैच शायद बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। लेकिन डेविड वार्नर की शानदार बल्लेबाजी की वजह से मैच जो है एंड तक गया और फिर सुपर ओवर तक भी गया मैच। लेकिन सुपर ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन जो कि आईपीएल 2020 का अपना पहला मैच खेल रहे थे केकेआर के लिए उन्होंने लाजवाब बॉलिंग किया। उस मैच में टोटल 5 विकेट्स निकाले उन्होंने और सुपर ओवर में केकेआर ने काफी आसानी से हैदराबाद को उस मैच में हरा दिया। हालांकि अभी हैदराबाद इस बात से खुश होगी कि वो मैच भले ही केकेआर से हार गए वो, लेकिन अब प्लेऑफ्स का जो टिकट है वो उन्होंने कंफर्म कर लिया वो भी केकेआर को नॉट आउट करके। इसके बाद आया मैच नंबर 36 जो कि हुआ था मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच। ये मुझे लगता है आईपीएल 2020 का शायद सबसे बेहतरीन मैच था और शायद आईपीएल की हिस्ट्री का भी सबसे बेहतरीन मैच रहा जा सकता है इसे। वैसे इस मैच के बारे में आप लोग का क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। यहाँ पे भी जो 20 ओवर थे वहाँ पे पंजाब और मुंबई दोनों ही ने इक्वल रन्स बनाए लेकिन फिर सुपर ओवर में जो हुआ वो बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। स्पेशली जिस तरह से मयंक अग्रवाल ने वो कैच पकड़ा था सुपरमैन बनके वो लाजवाब था। उससे पहले जिस तरह से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने बॉलिंग डाला यॉर्कर फॉर यॉर्कर, इस मैच के बारे में पहले भी मैंने अपने वीडियोज में बात किया है। सो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाए, आप चाहे तो उस वीडियो पर क्लिक करके इस मैच के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। एंड में दूसरे सुपर ओवर तक मैच गया और जो मैच 20 ओवर का होना चाहिए था 22 ओवर का बन गया और फिर मयंक अग्रवाल ने विनिंग शॉट लगाया किंग्स 11 पंजाब के लिए। एंड में पंजाब ने एक मस्ट विन मैच अपने नाम किया और प्लेऑफ्स के लिए भी रेस में वो एंड तक बने रहे। अनफॉर्चुनेटली प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए लेकिन मुझे उम्मीद है कि पंजाब अगले साल बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर सकती है। इसके बाद जो लिस्ट का लास्ट मैच है वो है मैच नंबर 43 किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। ये भी बहुत ही लाजवाब मैच था। पंजाब ने इस टूर्नामेंट में जितने भी मैचेस खेले उसमें से ज्यादातर जो मैचेस है वो बहुत ही क्लोज गए हैं। ये भी कुछ वैसे ही मैच था, लो स्कोरिंग मैच था ये और यहाँ पे भी पंजाब को जीतना बहुत जरूरी था। हैदराबाद के लिए भी बहुत जरूरी मैच था लेकिन हैदराबाद ने एक तरह से गलतियां की बहुत सारी। मनीष पांडे ने मिडिल में आकर बहुत स्लो खेला, विजय शंकर को जो सिर पे बॉल लगा उसके बाद वो आउट हो गए और पंजाब ने
126 रन का टारगेट डिफेंड कर लिया। तारीफ करनी होगी अर्शदीप सिंह की भी, जो कि युवा गेंदबाज हैं बहुत, लेकिन उन्होंने भी बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी किया। क्रिस जॉर्डन जो कि पहले काफी महंगे साबित हुए थे इस टूर्नामेंट में, उन्होंने भी अच्छा बॉलिंग किया और पंजाब के बॉलर्स ने एक लो स्कोरिंग टारगेट को डिफेंड करके एक मस्ट विन मैच को अपने नाम किया। यही है वो पांच मैचेस जो मुझे लग रहा है IPL 2020 के लीड स्टेजेस के सबसे बेस्ट मैचेस कहे जा सकते हैं। आप लोग का क्या मानना है इस बारे में, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आप लोग का फेवरेट मैच कौन सा रहा IPL 2020 का, वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। उसके अलावा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलते रहे।